नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स की, जो ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ट्रिक्स बहुत से ड्राइवर भाइयों को पता भी होगा, फिर भी मैंने सोचा बता दूँ। शायद जिन ड्राइवर भाई को पता नहीं, अगर उनको जानकारी हो जाए तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक है कि हमेशा दो डिवाइस रखें। क्या होता है कि एक डिवाइस रखने से, अगर आपको उसी डिवाइस में आप कॉल भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं या टाइम पास यूट्यूब देखते हैं, उससे क्या होता है, जब भी आप कॉल आता है या वीडियो देखते हैं तो उस समय उसका नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए उसी समय आपको कॉल आ गया, आप कॉल पर बात कर रहे हैं और उसी समय आपको बुकिंग आने वाली रहती है, तो उस समय बुकिंग के आने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपका नेटवर्क कहीं और बिजी है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि दो डिवाइस रखें। एक डिवाइस में अपना आप बुकिंग के लिए ओला उबर जो भी यूज़ करते हैं उसके लिए रखें, और दूसरे मोबाइल में आप अपना पर्सनल काम करें, जैसे किसी को कॉल करना है या यूट्यूब देखना है या वीडियो देखना है या गाना सुनना है, वो अपने अलग मोबाइल में करें। इससे आपका बुकिंग आपका आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। ट्रिक नंबर दो, हमेशा कोशिश करें कि सुबह 7 से सुबह 11 तक और शाम को 5 से रात को 9 तक, इस टाइम में अपनी गाड़ी हमेशा लॉगिन रखें, क्योंकि इस टाइम पे हमेशा आपको बुकिंग मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं और ये भी चांसेस है कि आपको सर्च प्राइस मिले। हाँ, मानता हूँ इस समय थोड़ा ट्रैफिक होता है, पर आपको इस ट्रैफिक के टाइम में आप बुकिंग ज़्यादा मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और भले ही आप दोपहर को 12 से शाम को 3-4 बजे तक आराम कर लें, गाड़ी ना चलाएं, लेकिन ये जो सुबह और शाम का पीक टाइम होता है, सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 9, इस बीच में गाड़ी को बिल्कुल लॉगिन रखें और इस टाइम पे बिल्कुल ऑफ ड्यूटी ना हो। इस टाइम पे बिल्कुल आप ज़्यादा काम करें, आपकी अच्छी अर्निंग होगी। और इस टाइम में ओला और उबर का रेट भी ज़्यादा रहता है, उनका जो रेट का तरीका है मैंने काफ़ी उसके बारे में सर्वे किया है, तो सुबह 7 से सुबह 11 तक और शाम को 5 से रात को 9 तक इनका रेट हमेशा नॉर्मल टाइम से रेट ज़्यादा होता है। अगर सर्च ना हो तो भी इसका रेट हमेशा आपको अच्छा रेट मिलेगा। ट्रिक नंबर तीन, मैंने देखा कि बहुत से ड्राइवर भाई सिर्फ ओला चलाते हैं या उबर चलाते हैं, वो दोनों नहीं चलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़िया ये रहेगा कि आप ओला और उबर दोनों चलाएं। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ ओला में अटैच है तो उबर में अटैच भी कर लें, और आपकी गाड़ी सिर्फ उबर में अटैच है तो ओला में अटैच कर लें। वैसे आजकल तो इंसेंटिव कुछ मिलता नहीं है, इंसेंटिव हिसाब से आपको काम करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अर्निंग पे काम करना है। तो दोनों डिवाइस चालू रखें, जिसकी बुकिंग मिली दूसरे को बंद कर दें, और ट्रिप जब ख़त्म हुआ तो दोनों फिर से चालू कर दें, फिर जिसकी मिली दूसरे को बंद कर दें। इस तरह करेंगे तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली बढ़ेगी। सुबह 7 से सुबह 11 तक जब भी आप कस्टमर ड्रॉप करें किसी भी कस्टमर को कमर्शियल एरिया में, कमर्शियल एरिया मतलब जहाँ पर कंपनीज है, ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पर ड्रॉप करें तो वहाँ पर बिल्कुल रुके नहीं। भले ही आपको 5-7 किलोमीटर ड्राई रन करना पड़े, 5-7 किलोमीटर आपको एम्प्टी जाना पड़े, पर आप जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर लोगों के घर है, उस तरफ जाके फिर गाड़ी खड़ी कीजिए, आपको बुकिंग मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैंने देखा कि कई ड्राइवर भाई कस्टमर ड्रॉप करते हैं और वहीं साइड में गाड़ी खड़ा होकर बुकिंग अवेट करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। आपको जब भी कस्टमर ड्रॉप किए टाइमिंग देखिए, अगर टाइमिंग आपका उस समय आपको ऑफिस से बुकिंग मिलने के चांस कम है तो आपको वहाँ नहीं रुकना है, आपको 2-4 किलोमीटर एम्प्टी जाके आपको जहाँ पर लोगों के घर है वहाँ पर जाना है, आपको बुकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और शाम को 5 से 9 तक कोशिश करें कि ज़्यादा ऑफिस के नज़दीक रहें, ऑफिस कमर्शियल एरिया जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, जो कंपनी कारखाने हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करें। शाम को 5 से 9 के बीच में आपको बुकिंग वहाँ ज़्यादा मिलेगी, तो ये कोशिश करें कि हमेशा उस टाइम पे उस जगह आप मौजूद रहें। शाम को 5 से 9 के बीच अगर आप कस्टमर को ऑफिस से ले गए और किसी रेसिडेंशियल एरिया में ड्रॉप करते हैं, तो वहाँ पर से भले ही आपको 5-7 किलोमीटर ड्राई रन करना पड़े, 5-7 किलोमीटर आपको एम्प्टी जाना पड़े, एरिया में जाए जहाँ पर आपको बुकिंग मिलने के चांस ज़्यादा है। ट्रिक नंबर फोर, अगर आपको दोपहर में भी काम करना है तो कोशिश करें दोपहर को 11-12 के बाद और शाम को 4-5 बजे तक, कोशिश करें कि आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, इनके आसपास ज़्यादा जाएं आप, इनके आसपास बुकिंग मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो बुकिंग की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इन सब एरिया में अगर आप रहोगे तो बुकिंग के चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि लोग हमेशा इस जगह पर से लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे जगह पे आप ज़्यादा पहुँचो। मानता हूँ कि आपको कभी कभी 2-4 किलोमीटर आपको एम्प्टी जाना पड़ेगा, पर आप सोचिए अगर आप किसी जगह पर 2 घंटा वेट करेंगे, घंटा वेट करेंगे, उससे बेटर है कि आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप दूर जाकर इस एरिया में जाएंगे तो आपके बुकिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एम्प्टी जाने से ना डरें,
और ऐसे जगह पर जाने की कोशिश करें, ऐसे जगह पर पहुंचने की कोशिश करें जहां पर बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रिक नंबर 5, जब भी आप ओला या उबर के कस्टमर को पिकअप करते हैं तो रास्ते में अगर आपको लगे तो उनसे बात कीजिए और पूछिए। अगर वो कस्टमर 150-200 रुपये का ड्रॉप है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कस्टमर का ड्रॉप लंबा है, इसके 400-500 बिल बनने वाले हैं, तो उनसे पूछिए, सर आपको वहाँ से वापस आने का प्रोग्राम भी है क्या? तो बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको वहाँ पर दूर जाकर शायद वापस उनको आधा एक घंटा का काम होता है और वहाँ से उनको वापस आना होता है। तो आप अगर आपको लगता है कि वो कस्टमर आधे एक घंटे में वापस आने वाले हैं तो उनको अपना नंबर दे दें, उनको बताएं कि सर आपको वापस जाना है, प्लीज़ मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको वापस लेकर चला जाऊँगा। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप वापस आओगे तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितने पैसे में आप उसको लेके गए थे, और आपको उसका कमीशन, ओला उबर को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो कमीशन आपको बच जाएगा। भले आपको आधा घंटा एक घंटा वेट करना पड़ा, पर आप उस समय आराम भी कर सकते हो और आपको आने के टाइम पूरा पैसा मिलेगा, तो आपका फ़ायदा ही है। इसलिए कोशिश करें कि अगर अच्छे कस्टमर हैं उनसे बात करें और उनसे अच्छे से व्यवहार करें और उनसे अच्छे से बात करें। क्या पता कस्टमर वो आपके फिक्स हो जाए, वो आपको कभी भी आपको पर्सनली भी बुला सकते हैं कि जब भी उसको कहीं दूर जाना है तो आपको कॉल कर देंगे कि भाई आप मुझे कल या परसों कहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं क्या? तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के भी आपकी अगर अच्छी सर्विस है तो आपको डायरेक्टली बुला लेंगे, और आपको ओला उबर के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाकर आप उनसे ज़्यादा पैसे में भी आप काम कर सकते हो, आपको कहीं कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि ऐसे कस्टमर भी बनाएं जो आपको पर्सनली बुलाएं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे और ट्रिक्स हैं, अगर आप ओला उबर चलाते हैं तो आपको खुद भी आइडिया लग गया होगा। तो अगर आपको भी कोई और आइडिया पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसको अपनी वीडियो में डालूंगा, और अपने बहुत सारे ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर भाइयों की उनको मदद मिल सके अपनी अर्निंग बढ़ाने में। मुझे ट्रिक्स ठीक लगे इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले और उनको फ़ायदा हो सके इस चीज़ का, जिससे अपनी वो बुकिंग बढ़ा सकें, अपनी अर्निंग बढ़ा सकें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मैं ऐसे काफ़ी वीडियो डालते रहता हूँ जिससे हमारे ओला उबर चलाने वाले भाइयों का कुछ जानकारी मिलती है और उनका फ़ायदा होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।